सत श्री अकाल दोस्तों, आप जी का पंजाबी विरसा भंधेर के चैनल उपर स्वागत है। आप जी तख्त श्री हजूर साहब के इतिहासक गुरधामों के दर्शन दीदार कर रहे थे। अज आप जी दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह जी के चरण छोह प्राप्त गुरद्वारा हीराघाट के दर्शन दीदार करवा रहे हैं, नाल इतों का इतिहास भी श्रवण करवा रहे हैं। ये गुरद्वारा हीराघाट साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जदों दक्षण देश विच आए तो सब तो पहला इस अस्थान ते अपना डेरा लाया। उन्होंने नाल बहादुर शाह भी आया होया सी। एक दिन गुरु जी दीवान सजाए बैठे हुए सन। दीवान विच आ के बहादुर शाह ने गुरु जी नूं एक कीमती हीरा भेट किया। हीरा लैके गुरु जी ने पिछले पासे बह रही नदी गोदावरी विच सुट दिता। बहादुर शाह मन ही मन सोच के परेशान होया कि मैं इन्ना कीमती हीरा भेट किया सी, लेकिन गुरु जी ने मेरे हीरे की कोई कदर नहीं की। गुरु जी जानी जान सन बहादुर शाह नूं कहा, बहादुर शाह तुहाडा हीरा साढ़े खजाने विच रख्या होया है, जरा गोदावरी नदी विचों पछाण के लै आओ। बहादुर शाह गोदावरी विच गया, दोवें हत्थां नाल बुक भर के वेखण लग्या। उसदे दोवें हथ हीरियां नाल भरे हुए सन। उसनू अपना हीरा पछाणिया नहीं गया। वापस आ के गुरु जी के चरणी पै गया। कहन लगा, महाराज मैनू माफ़ कर दिओ, मैनू पता नहीं सी कि यह तुहाडे खजाने विच रख्या होया है। इस तरह गुरु जी ने बहादुर शाह का अहंकार दूर किया। इस करके इस गुरद्वारा साहिब का नाम गुरद्वारा हीराघाट साहिब प्रचलित होया। तख्त श्री हजूर साहब नांदेड़ दीआं होर वीडियोज़ देखण लई पंजाबी विरसा भंधेर दे चैनल